विदिशा जिले की पठारी पुलिस ने 42,000 रुपए की कीमत की अवैध देशी शराब जब्त की है। दो आरोपियों के पास 400 क्वार्टर देशी शराब बरामद हुई है। आरोपियों पर मामला दर्ज भी किया गया है। पठारी थाना प्रभारी बबीता चौधरी ने बताया कि थाना अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विधानसभा चुनाव एवं आचार संहिता के दौरान अवैध मादक पदार्थ के विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत पठारी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ परिवहन करने एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु एक टीम गठित की गई है, जिसमें उप निरीक्षक के पवार के साथ आरक्षक शिवम तोमर, दिलीप धाकड़ ने बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को मुखबिर की सूचना पर दो व्यक्तियों को अवैध रूप से मदिरा की पैटियों के साथ पकड़ा। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एवं श्रीमान एसडीओपी साहब महोदय के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा लगातार कॉम्बिंग गश्त की जा रही है, जिसमें टीम बनाकर कॉम्बिंग गश्त के दौरान लगातार अवैध शराब और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। हम लोगों को कॉम्बिंग गश्त के दौरान बीती रात में पता चला कि कोई अवैध शराब लिए जा रहा है मोटरसाइकिल पर। जैसे ही मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, टीम द्वारा उसका सूचना तंत्र के द्वारा लोकेशन पर जाया गया। वहां पर जाकर देखा कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर शराब का अवैध परिवहन करते हुए जा रहे हैं, और पुलिस को जैसे ही उन्होंने देखा वो वहां पर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए और उनके दो साथीगण हम लोगों के द्वारा टीम के द्वारा पकड़ाए गए। इसमें पुलिस को लगभग 72 लीटर शराब और जिसकी कीमत 42,000 रुपये है प्राप्त हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।